हेलो एंड वेलकम टू हिंट कोच। मैं हूँ वंदना। जनरली हम टू के यूसेज में कंफ्यूज हो जाते हैं कि टू का प्रयोग कहाँ पर करना है, तो आइए इस वीडियो लेसन में यही सीखते हैं कि टू का प्रयोग कहाँ पर करते हैं। तो आइए देखते हैं। डेस्टिनेशन, किसी जगह को बताने के लिए हम टू का प्रयोग करते हैं। अगर आपको किसी जगह का बताना है, जैसे कि अगर मैं बोलती हूँ कि मैं ऑफिस जा रही हूँ, आई एम गोइंग टू माई ऑफिस, मैं अपने ऑफिस जा रही हूँ, तो मैं जगह बता रही हूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ, ऑफिस। किसी जगह को बताने के लिए हम टू का प्रयोग करते हैं। राहुल अपने घर जा रहा है, राहुल इज गोइंग टू हिज होम टाउन, राहुल अपने घर जा रहा है। होम टाउन क्या हो गया? होम टाउन हो गया डेस्टिनेशन, यानी कि कोई जगह। तो जगह को बताने के लिए हम टू का प्रयोग करते हैं। प्रिया इज गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया, प्रिया ऑस्ट्रेलिया जा रही है। तो कहाँ जा रही है प्रिया? ऑस्ट्रेलिया। जगह क्या हो गई? ऑस्ट्रेलिया। तो जगह को बताने के लिए हमने कौन सा प्रेपोजिशन यूज किया? टू। प्रिया इज गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया, प्रिया ऑस्ट्रेलिया जा रही है, किसी जगह पर जा रही है। तो जब भी हमें किसी जगह का बताना होता है तो हम टू का प्रयोग करते हैं। अब सपोज कीजिए कोई दो ऐसी चीजें हैं जो आपको बहुत पसंद है, लेकिन उसमें से एक चीज ऐसी है जो आपको दूसरी चीज से ज्यादा पसंद है। तो जब हम कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, प्रेफर करते हैं एक चीज को दूसरी चीज से, प्रेफर का मतलब होता है किसी एक चीज को हम पसंद करते हैं दूसरे की तुलना में, तब भी हम टू का प्रयोग करते हैं। तो टू का प्रयोग कब होता है? जब हम कंपेयर करते हैं, यानी कि तुलना करते हैं एक चीज की दूसरी चीज के साथ। एक चीज आपको दूसरे से ज्यादा पसंद है तो भी हम टू का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आई प्रेफर पिज्जा टू पास्ता, मुझे पास्ता से ज्यादा पिज्जा अच्छा लगता है। तो मैंने क्या बोला? आई प्रेफर, प्रेफर यानी कि पसंद करती हूँ, किसको? पिज्जा को। किससे? पास्ता से ज्यादा। आई प्रेफर पिज्जा टू पास्ता। उनको चाय ज्यादा पसंद है कॉफी से, दे प्रेफर टी टू कॉफी, उनको कॉफी से ज्यादा चाय पसंद है, दे प्रेफर टी टू कॉफी। तो जब कभी भी आपको कंपैरिजन करना है, तुलना करनी है किसी दो चीजों के बीच में, और एक चीज आपको दूसरी चीज से ज्यादा पसंद है, प्रेफर यानी कि पसंद करते हैं आप किसी एक चीज को दूसरी चीज से ज्यादा, तो भी हम टू का प्रयोग करते हैं। अब आपको टाइम बताना है, समय या अवधि बताने के लिए भी हम टू का प्रयोग करते हैं। किसी ने आपसे पूछा टाइम क्या हो रहा है, तो आपने बोला अभी 7:45 हुए हैं, इट्स क्वार्टर टू सेवन, इट्स क्वार्टर टू सेवन। ये तो हो गया टाइम बताना, टाइम बताने के लिए हमने टू का प्रयोग करा। लेकिन अगर अब एक पॉइंट ऑफ टाइम से दूसरे पॉइंट ऑफ टाइम का बताना चाहते हैं, यानी कि से तक, तो भी हम टू का प्रयोग करते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलती हूँ सुपरमार्केट सुबह 9 बजे से 8 बजे तक खुली है, द सुपरमार्केट इज ओपन फ्रॉम 9 AM टू 8 PM, यानी कि सुपरमार्केट सुबह 9 बजे से 8 बजे तक खुली है। एक पॉइंट ऑफ टाइम से दूसरे पॉइंट ऑफ टाइम को बताने के लिए भी हम टू का प्रयोग करते हैं। अगर मैं बोलती हूँ वह लड़का मंडे से सैटरडे तक पढ़ता है, ही स्टडीज फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, यानी कि सोमवार से शनिवार तक वह पढ़ता है। एक पॉइंट ऑफ टाइम से दूसरे पॉइंट ऑफ टाइम तक, तो भी हम टू का प्रयोग करते हैं। अब आपको डिस्टेंस बताना है, यानी कि दूरी बतानी है। डिस्टेंस या फिर दूरी बताने के लिए भी हम टू का प्रयोग करते हैं। कोई आपसे पूछता है कि स्टेशन कितनी दूर है, तो आप बता रहे हैं कि मेरे घर से स्टेशन 4 किलोमीटर की दूरी पर है। इट्स अबाउट 4 किलोमीटर्स फ्रॉम माय हाउस टू द स्टेशन, यानी कि मेरे घर से स्टेशन 4 किलोमीटर की दूरी पर है। अब आपको किसी इंसान की तरफ संकेत करना है, यानी कि इफ यू वॉन्ट टू पॉइंट टूवर्ड्स समवन, किसी को संकेत करना है, तो भी हम टू का प्रयोग करते हैं। जैसे कि उससे बात मत करो, डोंट स्पीक टू हिम, मैं शालिनी से बात नहीं करती, आई डोंट स्पीक टू शालिनी। किसी इंसान को संकेत देने के लिए भी हम टू का प्रयोग करते हैं। आई होप गाइज यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। अब आपने इस वीडियो में जो सीखा है, कमेंट्स में टू के कुछ सेंटेंसेस बनाइए। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल हिंट कोच। थैंक यू।